एक दवा एक दुकान पर 800 से 1000 में मिल जाती है, वहीं किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल के दवा स्टोर पर वही दवा 15000 में मिलती है। क्वालिटी और दवा कंपनी के नाम पर ये खेल जम कर चल रहा है। इलाज और जांच के अलावा सिर्फ दवाएं बेचकर प्राइवेट अस्पताल 35% तक मुनाफा कमा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि दवा के नाम पर ये लूट कब तक चलेगी? एक दवा एक ही कीमत पर हर जगह क्यों नहीं मिल पाती? दुकानों की सस्ती दवा प्राइवेट अस्पतालों में महंगी, दवा की कंपनी और क्वालिटी के नाम पर मची है लूट, मरीजों को शिकार बना रहे हैं प्राइवेट अस्पताल। बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर जो दवा लिखते हैं, अस्पताल के असिस्टेंट जो दवाएं आपको बाहर की दुकानों से खरीदने के लिए मना करते हैं, क्वालिटी और कंपनी के नाम पर जो दवाएं आपको जबरन अस्पताल के अंदर मौजूद दुकानों से खरीदवाई जाती हैं, दरअसल वो एक साजिश है। एक साजिश के तहत आपकी जेब पर डाका डाला जाता है और आपको इसकी भनक तक नहीं लगती। असल में इसके पीछे डिस्काउंट का बड़ा खेल होता है। जो दवाएं आपको रिटेल दुकान पर सस्ती मिल जाएंगी, उसी दवा पर प्राइवेट अस्पताल ज्यादा पैसे वसूल करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि दवाओं के नाम पर मरीजों को लूटने वाला नेक्सस किस तरह से काम करता है। अस्पताल प्रशासन मरीजों को बाहर से दवा खरीदने के लिए मना करता है। क्वालिटी और कंपनी का हवाला देकर अस्पताल से ही दवाएं खरीदवाई जाती हैं। अस्पताल में मरीजों को एमआरपी पर दवाएं और दूसरी डिवाइस बेची जाती हैं, जबकि अस्पताल को डिस्काउंट पर दवाएं और डिवाइस मिलती हैं। इस तरह से डिस्काउंट पर डाका डालकर प्राइवेट अस्पताल 15% से 35% तक प्रॉफिट कमाते हैं। बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल दवा बेचकर किस तरह से मरीजों को लूटते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कैंसर की जो दवाएं 800 रुपए में बाहर मिलती हैं, उसे अस्पताल के अंदर 15000 रुपए तक में बेचा जाता है। बताया जाता है कि एपोराइज नाम की दवा की एमआरपी 1543 रुपए है, जबकि इसके डिस्काउंटेड प्राइस महज 220 रुपए है। इसी तरह 500 mg की ल्यूपीसॉफ्ट की छूट के बाद 400 रुपए कीमत है, जिसे 1599 रुपए पर बेचा जाता है। ऐसे ही एनोक्सारिन 40 mg की एमआरपी 545 रुपए है, जबकि छूट के बाद इसकी कीमत महज 140 रुपए रह जाती है। ज्यादातर मरीजों को इस बात की जानकारी नहीं रहती कि कौन सी दवाओं पर कितना डिस्काउंट मिलता है। इसी का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है और अस्पताल इसका फायदा उठाते हैं। मरीजों को लूटने के पीछे एक बड़ी वजह ये है कि अलग अलग कंपनियां दवाओं की अलग अलग कीमतें तय करती हैं। बड़ी कंपनियों की किसी दवा की एमआरपी ज्यादा होती है, लेकिन वही जेनेरिक दवाएं सस्ती मिल जाती हैं। लेकिन डॉक्टर मरीजों को जेनेरिक दवा के बारे में नहीं बताते। प्राइवेट अस्पताल क्वालिटी के नाम पर महंगे विकल्प मरीजों पर थोपते हैं और बदले में वो बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। अब सवाल उठता है कि IMA इसको लेकर क्या कर रहा है। दरअसल IMA भी इस लूट को लेकर सीरियस नहीं है, नहीं तो इतने बड़े स्तर पर सरेआम ये लूट मची है और बड़ी कार्रवाई नहीं होती। आखिर मरीजों को लूटने वालों पर सरकार का कानून काम क्यों नहीं करता? आखिर कब तक क्वालिटी और कंपनी के नाम पर लूटते रहेंगे मरीज? आखिर कैसे टूटेगा मरीजों को लूटने वाला नेक्सस? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।